स्वागत करता हूँ एक शेयर है जो मैंने बहुत बार आप यहां पर कवर किया है, okay, उसी से कि जिसका नाम है मुझे इस शेयर में लगभग 200 से 300 परसेंट के रिटर्न बनते हुए नजर आते हैं क्यों बनते हुए नजर आते हैं जब मैं आपको इसके फाइनेंशियल दिखाऊंगा तब समझ में आएगा जब मैं इस शेयर से चार्ट दिखाऊंगा तब समझ में आएगा जो कि मैं आपको यहाँ देख सकते हैं दो परसेंट के रिटर्न दिखाई दे रहे हैं तो क्यों दिखाई दे रहे है ऐसा क्या है इस पर्टिकुलर शेयर में जो मैं ये कह रहा हूँ कि तीन सौ परसेंट के रिटर्न दो सौ परसेंट के रिटर्न बनते हुए नजर आएंगे क्या मेरे पास है बिल्कुल है ये शेयर मेरे पास है और इसने अब मूव देना शुरू कर दिया है अभी लगातार यहाँ पर गया था फिर उसके बाद बोनस वगैरह मिला था इफ आई एम नॉट रॉन्ग बोनस ऑन स्प्लिट मिला था और शेयर अभी दस रुपये ग्यारह रुपए पे आज चल रहा है और यहाँ पर शेयर में तेजी होती हुई दिखाई दे रही है ओके जो चार्ट भी दिखा रहे हैं तो इसी वजह से ये शेयर को मैं अब बताना जा रहा हूँ कंपनी करती क्या उससे रिलेटेड बातें कर लेते हैं कंपनी है, यहाँ पर मिस्टान फूड्स लिमिटेड है पर ये कंपनी बासमती राइस में डील करती है ओके okay, और बासमती राइस आपको पता ही है हर घर में यहाँ पर यूज होते हुए दिखाई देते हैं विदेशों में यूज होते हुए दिखाई देते हैं गल्फ कंट्रीज में यहाँ पर यूज होते हुए दिखाई देते हैं तो यहाँ पर एक बेहतरीन कंपनी है एफ के प्रोडक्ट्स जिसमें यहाँ पर आप बात करें यहाँ पर रॉक साल्ट काला नमक भी ये बनाते हुए नजर आते हैं इसके अलावा बात करें जो कि हिमालयन का प्रोडक्ट हिमालय के नमक की कंपनी बनाती हुई नजर आती है इसने अभी कुछ अभी कुछ प्रोडक्ट ऐड करे ओके जो कि यहां पर दिखाई दे रहे वरना इसकी वेबसाइट हमने पहले भी देखी थी उस टाइम नहीं था इसके अलावा कंपनी की बात करें कंपनी यहाँ पर ये यह सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पर मसाले ओके एज वेल एज बात करे कंपनी राइस और पल्सेस सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पर देती हुई नजर आती है किस तरीके से उनकी रेसिपी वगैरह भी शेयर करती हुई नजर आती है कि रेसिपी ले लो साथ में जान लो इस रेसिपी के बारे में देखिए लेमन राइस कैसे बनाते हैं एग एंड मशरूम कैसे बनाते, बनाते हैं वो सब चीज ये कंपनी साथ में यहाँ पर बताती हुई भी नजर आ रही है वो तो एक जनरल है बट बात करें कंपनी यहाँ पर एफ के बिजनेस में जिसमें नमक और यहाँ पर बासमती राइस पल्सेज अलग अलग, अलग प्रोडक्ट्स देते हैं आपको ये प्रोडक्ट्स अगर बात करूं फ्लिपकार्ट भी मिल जाएंगे और थोड़े से महंगे नजर आते हैं क्योंकि इनकी क्वालिटी उस तरीके की है वीट में है दाल में है बासमती राइस में है यहाँ पर आप देख सकते हैं पर यहाँ पर बेहतरीन गेहूं भी देते हुए नजर आते हैं तो कंपनी कंपनी अच्छी खासी दिखाई देती है है ओवरऑल बात यह की बात करें तो कंपनी यहाँ पर देख सकते हैं 1981 में यहाँ पर इनकोपरेट होती हुई दिखाई देती है इन द नेम ऑफ मिशान फूड चेंज किया गया है जो कि पहले और कुछ था इसके अलावा कंपनी राइस व्हीट एंड अदर फूड ग्रीन में यहाँ पर डील करती हुई नजर आती है

Uh, जिनका रिवेन्यू पूरा का पूरा हंड्रेड परसेंट यहाँ पर से आता हुआ दिखाई देता है सेवेंटी थ्री परसेंट और टोटल रेवेन्यू फ्रॉम द साउथ इंडियन मार्केट और साउथ इंडियन आपको पता ही है देखिए साउथ इंडिया की बात करें तो मोस्टली वहां पर uh, मछली खाने का प्रचलन है और मछली के साथ में वो चावल खाते हुए दिखाई देते हैं क्योंकि कोस्टल uh, कोस्टल एरिया है और यहाँ पर याद रखिए 73% रिवेन्यू, वहीं से आता है। से 90%, 95 रिवेन्यू अगर बात करें 2009 में इस तरीके का यहाँ पर साउथ इंडिया से यहाँ पर इनका रेवेन्यू आता हुआ दिखाई दे रहा था और बीच में कुछ कंप्लेन वगैरह भी हुई थी कंपनी के अगेंस्ट में जो कि यहाँ पर कुछ सेबी ने पेनल्टी वगैरह इम्पोज करी थी वो यहाँ पर सब कुछ अब हुआ नजर आ रहा है वो हो चुका होगा वो पुरानी बात थी कंपनी की बात कर देखिए मैं हमेशा देखा होगा बजाज, बजाज की की, इसलिए बात नहीं करता क्योंकि यहाँ पर बड़े लोग जब अच्छी कंपनी में पैसा लगा रहे हैं वहां पर पैसा बना रहे हैं तो आप क्यों बेफालतू में ऐसे स्टॉक्स को लेके जो की चलते हैं यहाँ पर रिस्क फ्री है नो डाउट ओके बहुत सारे फायदे भी है बट पैसा बनाने बनाने के लिए आये, आये, बनाने के लिए लिए आए 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 आप स्टॉक मार्केट में पैसा पैसा तो पर पर बनेगा वैल्यू दिखाई देती जबकि इंडस्ट्री फोर्टी वन के मल्टीप्लाई पे चल रही है, म, की बात करें, काफी है छोटे से शेयर में जैसे ग्यारह सो करोड़ की मार्केट कैप हो उसमें इतना मिल जाए

तो यहाँ पर देखिए सेल्स यहाँ पर कंपनी की एक साथ गिरती हुई नजर आई जस्ट बिकॉज ऑफ कोविड फिर उसके बाद सेल्स लगातार है और इस बार की सेल्स भी लगातार पिछले चार पांच क्वार्टर से हाईएस्ट एवर सेल्स आ रही है जो कि पिछले बारह क्वार्टर में नहीं आई प्रॉफिट की बात करें कंपनी का प्रॉफिट पांच करोड़ से सीधे सत्रह करोड़ का हो गया है हाईएस्ट पिछले तीन चार क्वार्टर से यहाँ पर प्रॉफिट आ रहा है ओके मार्जिन कंपनी के हाईएस्ट एवल पे आ रहे हैं तो जब सब चीज हाईएस्ट लेवल पे आ रही है तो याद रखिए कंपनी के शेयर को भाग नहीं है और भी बहुत सारी पॉजिटिव चीज है जो मैं अभी आप दिखाने वाला हूँ बट उससे पहले रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेलाइकन को हिट कर लीजिए ताकि इस तरीके को नहीं कर रखा। तो को कर और कर हमारे दूसरे चैनल को भी ओके okay, बहुत सारे लोग वीडियोस देखते हैं बस सीखते यहाँ पर सब्सक्राइब नहीं करते तो हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और कुछ नहीं तीन वीडियोज आ चुकी है मीरो को आईपीओ आया है तो उसे भी यहाँ पर आप देख सकते हैं तो बात करें यहाँ पर इसकी तो देखिए शेयर यहाँ पर लगातार अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे रहा है और मैं हमेशा बताता हूँ जब कंपनी लगातार अच्छा परफॉर्मेंस देने लग जाए तो शेयर को छोटे मोटे यहाँ पर इसी रेंज में नहीं घूमना पड़ता शेयर यहाँ पर ऊपर जाते हुए नजर आते हैं शेयर लगातार अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है मार्जिन हाइएस्ट एवर आ रहे हैं जब सब चीज आपको हाइएस्ट एवर दिखाई दे रही है तो शेयर प्राइस को भी यहाँ पर हाइएस्ट एवर पे जाना है जो यहाँ पर कभी हुआ करता था यहाँ पर देखिए दो ओके और मैं और थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ जो कि मैं अभी बात कर रहा था कि लास्ट तक बने रहिए और चीजें पता चलेगी बत्तीस रुपए का शेयर हुआ करता था 2019 में ओके कंपेयर करते हैं अब। यहाँ पर आते हैं 2019 2018-19 पे आते हैं ओके दोनों ले लेते हैं तो यहाँ पर पता चलेगा कंपनी का जो मार्जिन था तीन से पांच परसेंट का था अभी मार्जिन दस से ग्यारह का आ रहा है सेल्स यहाँ पर क्या थी सेल्स थी तीन और चार करोड़ रुपए के आसपास की अभी चार सौ निन्यानवे और पांच सौ चौरासी करोड़ रुपए की पिछले बारह महीने की सेल्स यहाँ मतलब पिछले जनवरी से अभी तक की सेल्स होती हुई नजर आ रही है नेट प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी का प्रॉफिट जो 6 से 12 करोड़ था वो यहाँ पर बढ़ के इकतीस सौ तो उनतालीस करोड़ हो गया जब सब चीज यहाँ पर आपको बढ़ती हुई नजर आ रही है मार्जिन बढ़ रही है प्रॉफिट बढ़ रहा है सेल्स बढ़ रही है तो शेयर प्राइस को नहीं बढ़ना चाहिए आप खुद यहाँ पर थोड़ा सा सोचेंगे तो आपको पता चलेगी और अगर शेयर प्राइस इस लेवल तक पहुंच जाता है तो यहाँ पर प्रॉफिट क्या है लगभग छत्तीस रुपये तक शेयर जाता है शेयर चल रहा है ग्यारह रुपए पे तो दो सौ पच्चीस से छब्बीस परसेंट के यहाँ पर रिटर्न बनते हुए नजर आ रहे हैं ये केवल हो गई देहाती बादशाह में हमने यहाँ पर नॉर्मल चीजें समझ ली ओके okay, हमने यहाँ पर ज्यादा दिमाग नहीं लगाया रिजर्व्स देखिए कंपनी के रिजर्व्स लगातार बढ़ रहे हैं कंपनी की बोराइंग पिछले दो तीन क्वार्टर से लगातार कम होती हुई नजर आ रही है कंपनी का इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं है कैश की बात करें कंपनी के पास वो भी कुछ नहीं है बट कंपनी के पास बहुत सारी पॉजिटिव चीज है अब देखिए प्रोमोटर्स प्रोमोटर्स एज इट इज बने हुए हैं 49.28 के पास मतलब प्रोमोटर्स चाह रहे हैं कि भाई हम नहीं बेचेंगे अपने शेयर कंपनी अच्छी है जब कंपनी अच्छी है तो लेके बैठे हुए हैं शेयर जिस दिन भागेगा उस दिन आपको मल्टीपैगर रिटर्न देता हुआ नजर आएगा पब्लिक सारे गुजराती भाइयों ने ले रखे हैं है। और यहाँ पर बात करें केवल पंद्रह परसेंट के शेयर ही यहाँ पर आपको मार्केट में फ्लॉट होते हुए दिखाई दे रहे हैं और जब यहाँ पर पंद्रह के शेयर का मतलब है कितना डेढ़ सौ करोड़ इफ करोड़ इफाइम नौ रहा हूं ओके okay, तो डेढ़ सौ करोड़ रुपए तो कोई भी बड़ा ऑपरेटर आके ना घुमा सकता है इस शेयर को जैसे घूमना शुरू हुआ और ये ऑपरेटर ड्रिवन भी चलता है सीधे भागता है ऑपरेटर भगाते हैं ऑपरेटर गिराते हैं ओके अब ऑपरेटर थोड़े से यहाँ पर दूर है बट यहाँ पर देखिए ऐसे एकेशन ऐसा कभी नहीं हुआ देखिए यहाँ पर वॉल्यूम नहीं है यहाँ वॉल्यूम नहीं है पर शेयर ऊपर था बट यहाँ पर जो एकोमुलेशन देख रहे हैं ना आप जो यहाँ पर ये यह यह चीजें नजर आ रही है आपको यहाँ पर शेयर का एक होता हुआ नजर आ रहा है जब गिर रहा था गिर रहा था अगेन यहाँ पर देखिए चीजें एकुमलेट की जा रही है लगभग तीस 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 पैतीस पैंतीस लाख शेयर यहाँ पर एकोमुलेट किया जा रहा है डेली बेसिस पे तो शेयर को भागना नहीं है बिल्कुल भागना है शेयर भागता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पर देखिए ये जो ट्रेंड लाइन यहाँ पर मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ और दिखा देता हूँ सॉरी एक मिनट तो यहाँ पर देखिए ये शेयर पूरा यहाँ पर देखिए ट्रेंड लाइन ट्रेंड लाइन खींच रही थी ट्रेंड लाइन के ऊपर चल रहा है बार बार यहीं पर आके सपोर्ट ले रहा था अब ट्रेंड लाइन के ऊपर चल रहा है सबसे पहला टारगेट ये है बारह रुपए इक्यानवे पैसे जैसे ही इस टारगेट को निकालता है दूसरा टारगेट चौदह रुपए के आसपास का आएगा चौदह रुपए बाईस पैसे सैतीस पैसे के आसपास तीसरा टारगेट आएगा पंद्रह रुपए के आसपास चौथा टारगेट आएगा यहाँ पर उन्नीस रुपए के आसपास जो कि सतर परसेंट के रिटर्न होते और जैसे कि मैंने बीच में अभी एक थ्योरी दी थी कि शेयर देखिए लगातार ना तो गिरता है ना ही लगातार भागता है ओके okay, लगातार सीधे यहाँ पर नहीं भागेगा कंसोलिडेट करके धीरे धीरे देखिए ऊपर गया फिर नीचे आया फिर ऊपर गया, गया फिर नीचे आया फिर अब ऊपर जाएगा फिर थोड़ा सा नीचे आएगा फिर ऊपर जाएगा और यहाँ पर क्या बनाएगा ये बनाएगा राउंडिंग बॉटम राउंडिंग बॉटम की तैयारी चल रही है याद रखिए इसकी और ये राउंडिंग बॉटम जैसे ही बना शेयर हो गया पैतीस रुपए का पैतीस रुपए के जैसे दो सौ पच्चीस रुपए पे दो सौ पच्चीस अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है क्वार्टरली एनुअली सब बेसिस पे तो मैं ऑलरेडी आपको बाइंग करना है या नहीं करना वो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करना ओके उसके हिसाब से यहाँ पर चीजें समझना उसके हिसाब से आपको यहाँ पर चीजें देखनी है और उसके हिसाब से ही आपको यहाँ पर डिसीजन लेना है यहाँ पर मुझे चीजें अच्छी नजर आ रही है शेयर भाग रहा था ओके okay, अगेन मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है एक मुलेशन नजर आ रहा है जो कि यहाँ पर आप मंथली चार्ट पैटर्न में भी देख सकते हैं वीकली चार्ट पैटर्न की बात करें तो वीकली चार्ट पैटर्न भी देख सकते हैं वो आपकी मर्जी है तो बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है वीडियो अच्छी लगे लाइक करिएगा कमेंट करिएगा शेयर करिएगा ताकि इस तरीके के वीडियो डेली बेसिस पे मिलते रहे आपके लिए लाता रहूं सिखाता रहूं ओके इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए बेलाइकन को बेट करके रखिए ताकि वीडियोज मिस ना हो आपसे सो थैंक यू सो मच गॉड ब्लेस